1000 रुपए का लोन देने वाली एक ऐसी ताबड़तोड़ और धुरंधर कंपनी जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। सबसे पहले आप यहां पर प्रूफ देख लो उस वाली ताबड़तोड़ और धुरंधर कंपनी का। यहां पर लिखा हुआ है अवेलेबल क्रेडिट 1000 रुपए। इसको अब हम तुरंत के तुरंत हमारे पेटीएम के अंदर ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए हम यहां पर स्कैन एंड पे पर क्लिक करते हैं और जो भी हमारे पेटीएम का QR कोड है उसको हम यहां पर स्कैन करते हैं। स्कैन करते ही जो भी हमारा आईडी है UPI आईडी वो यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहां पर हमें अमाउंट पूछा जा रहा है कि आप 1000 में से कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो अपने पेटीएम के अंदर। तो मैं आपको यहां पर दिखाने के लिए सिर्फ 100 रुपए लिख देता हूं और ट्रांसफरिंग टू myself पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करता हूं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा और नीचे आप देखेंगे तो यहां पर जो हमारी क्रेडिट लिमिट हमें बताई गई थी 1000 रुपए और यहां पर 100 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं तो हमारी जो लिमिट बची हुई है वो यहां पर 900 रुपए बच गई है। इसके अलावा आप यहां पर ऊपर की तरफ हमारे ट्रांजेक्शन का मैसेज देख सकते हो कि 100 रुपए हमें यहां पर इंस्टेंटली रिसीव हो गए हैं। इसके अलावा आप यहां पर हमारे पेटीएम का मनी जो हमें रिसीव हुआ है 100 रुपए जो हमें मिले हैं उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो और यह जो पैसा हमें मिला है उसका भी स्क्रीनशॉट देख सकते हो, डेट देख सकते हो 27 अगस्त 2023 को हमें यह पैसा मिला है 10:22 पे। बिना किसी डॉक्यूमेंट के बिना किसी सिबिल स्कोर के 1000 रुपए का लोन देने की एक ऐसी धुरंधर ताबड़तोड़ कंपनी जिसका पैसा आप तुरंत के तुरंत अपने मनचाहे फोन पे पेटीएम गूगल पे या फिर मनचाहे बैंक अकाउंट के अंदर तुरंत के तुरंत ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैं आपको इस वाली कंपनी से लोन लेने का पूरा तरीका बताऊं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे यहां पर आपको वीडियो को लाइक करने का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके सबसे पहले वीडियो को आप एक लाइक कर दो। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे यहां पर आपको सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो जिससे मैं जब भी कोई लोन की न्यू वीडियो डालूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे हवाला टेक सपोर्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके इस चैनल को आप ज्वाइन कर लो। क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको कोई भी लोन से रिलेटेड न्यू नया वाला ऑफर देखना हो, न्यू स्कीम देखनी हो तो उसका जो अपडेट होता है वो सबसे पहले आपको इसी वाले टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलता है। यहां से आपको लोन अप्लाई करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर आप क्लिक करके सबसे पहले लोन के लिए अप्लाई कर लो। अप्लाई करने के लिए जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आपको मोबाइल नंबर डालना है, सबमिट करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा, OTP डालकर आप वापस से सबमिट करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर एक नया पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। यहां पर आप अपने हिसाब से कोई भी एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे, कंफर्म में जो आप ऊपर पासवर्ड डाले हो उसी को आप कंफर्म में डालेंगे। उसके बाद क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको यहां पर अपनी जो भी आइडेंटिटी डिटेल्स है वो डालनी होगी। आपका फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, नीचे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है मेल फीमेल, नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, नीचे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद अब आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी होगी जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, आपको अपना रेसिडेंट एड्रेस डालना है, अपने एरिया का पिन कोड डालना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपको यहां पर अपनी जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है वो आपको देनी होगी। आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो उस वाली कंपनी का नाम लिखेंगे। आपकी मंथली इनकम कितनी है वो आप यहां पे लिखेंगे। इसके अलावा आपकी जो सैलरी है वो बैंक अकाउंट में आती है या फिर चेक के थ्रू मिलती है या फिर आपको कैश मिलती है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपकी जो सैलरी है वो कब आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है उस वाली डेट को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपकी जो पर एनम इनकम होगी वो आपकी मंथली इनकम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद अब
आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होगी, जिसके लिए सबसे पहले आप बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड डालेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, कन्फर्म करेंगे अकाउंट नंबर को, उसके बाद अगर आपकी कोई यूपीआई आईडी है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद डन करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू वेरिफिकेशन करना होगा। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है इस वाले बैंक अकाउंट की, तो आप प्रोसीड पर क्लिक करके अपनी नेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर आप अपना बैंक वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो नीचे ऑप्शन मिलता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपके बैंक की पासबुक है उसका फोटो आप यहां पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका यहां पर बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आप यहां पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपका यहां पर बता दिया जाएगा। जिसे आप देख सकते हो हमारे सामने लिखा हुआ आ चुका है, योर लोन इज अप्रूव्ड फॉर 1000। इसके अलावा नीचे यहां पर हमारा इंटरेस्ट रेट बताया हुआ है, प्रोसेसिंग फीस बताई हुई है, कंडीशनल इंटरेस्ट बताया हुआ है, इसके अलावा वेबल इंटरेस्ट और एनुअल परसेंटेज रेट यहां पर बताया हुआ है। इसके अलावा लोन की जो पूरी डिटेल्स है कन्वेंस फीस वगैरह की वो हमें नीचे बताई हुई है। इसके अलावा यहां पर नीचे बताया हुआ भी है कि आपकी जो फर्स्ट ईएमआई डेट है वो यहां पर कब से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद लोन लेने के लिए बस हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद अब हमसे यहां पर हमारा आधार कार्ड का केवाईसी करना होगा। उसके लिए यहां पर हम हमारा आधार नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, जो भी हमारा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, यहाँ पर हम ओटीपी डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई एंड ई साइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पर ई मैंडेट करना होगा। ई मैंडेट का मतलब यह होता है कि ई मैंडेट के लिए हम जिस भी डेबिट कार्ड का या फिर जिस भी बैंक अकाउंट को ई मैंडेट के लिए सेटअप कर देते हैं, तो उस वाले बैंक अकाउंट से, उस वाले डेबिट कार्ड से ऑटोमेटिक जब भी हमारी किस्त आती है उस वाली डेट को अकाउंट से ऑटोमेटिक हमारी ईएमआई का पैसा, किस्त का पैसा कट हो जाता है। अब हमें ई मैंडेट करने के लिए ईमेंडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर हम डेबिट कार्ड से ईमेंडेट करना चाहें तो डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, या फिर नेट बैंकिंग से करना चाहें तो नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करके यहां पर हमारी नेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड डाल के यहां पर अपना ईमेंडेट कंप्लीट कर लेंगे। जब हमारा ईमेंडेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारे सामने ये वाला जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका होम पेज कुछ इस तरीके से आएगा और जो भी आपकी लिमिट होगी वो आपको यहां पर अवेलेबल क्रेडिट लिमिट में बता दी जाएगी। अगर आपको इस वाली लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है विड्रा का, आपको विड्रा पर क्लिक करना है और वहां पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल बता दी जाएगी जो आपने ऑलरेडी डाल रखी है। उसके बाद बस आपको अमाउंट डालना है और कंफर्म करना है, उसके बाद जो भी आपका पैसा होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पैसे को आपको अपने फोनपे के अंदर, गूगल पे के अंदर या फिर किसी क्यूआर कोड के अंदर या फिर आपके पेटीएम के अंदर लेना है तो यहां पर आपको स्कैन नाउ पे लेटर का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपके फोन का क्यूआर कोड है, फोनपे का, पेटीएम का या फिर गूगल पे का या फिर यूपीआई आईडी का, उसको आपको यहां पर स्कैन करना है और जितना भी पैसा आप 1000 से निकालना चाहते हो वो आपको वहां पर लिखना है और लिखते ही आपको तुरंत ट्रांसफर कर देना है और तुरंत ही आपका जो पैसा है वो इंस्टेंटली आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, जो भी आपने क्यूआर कोड लगाया होगा, उसके अंदर तुरंत आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको भी इस वाले मोबाइल ऐप से लोन लेना है तो इस वाले मोबाइल ऐप का जो नाम है वो है फ्लेक्स पे। इस वाले ऐप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।